किसी की बरमला बुराई करना। सूरह निसा आयत नंबर 148। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी की बरमला बुराई करे, मगर ये कि मजलूम वाकई हुआ हो। और अल्लाह बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। किसी शख्स का वकार मजरूह करना और उसका राज फाश करना एहतराम आदमियत के मुनाफी और मकाम इंसानी के ख़िलाफ़ है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी की बरमला बुराई करे। अलबत्ता जालिम ने ख़ुद एहतराम आदमियत और करामत इंसानी के ख़िलाफ़ वर्जी की है और इसने जुल्म करके ख़ुद अपने आप को फाश किया है, लिहाजा जालिम की बरमला बुराई करना जायज़ है। जालिम की बरमला बुराई करना इसलिए भी जायज़ है कि जब तक उसके जुल्म का इजहार नहीं होगा तो लोग उससे आशना नहीं होंगे और उसके फितनों व फसाद से बच नहीं पाएंगे। तो मजलूम जिस पर जुल्म किया गया है वो इस चीज़ का इजहार कर सकता है, ये गीबत के ज़ुमरे में बिल्कुल नहीं आती। अल्लाह पाक हमें हक बात कहने, समझने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।